अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़ायज़ा काशी व्लॉग्स। अच्छा जी, शेयर करूँगी आज आपके साथ बहुत ही लजीज़ चाइनीज़ एग फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी। चाहे तो सादा खाएं, चाहे तो किसी भी जलफ्रेजी या किसी और ग्रेवी के साथ खाएं। अगर अभी तक आपने फ़ायज़ा काशी व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 5 अंडे। उनमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के हिसाब से मिला के उनको तेज़ ऑयल के अंदर हम स्क्रम्बल कर लेंगे। ये जैसे ही स्क्रम्बल्ड होंगे हम उन्हें डिश आउट कर लेंगे। हमने इन्हें इतनी देर तक नहीं पकाना है कि इनका ऑयल निकल आए या इनकी कलर चेंज हो जाए। क्विक क्विक हमने ये काम करना है। फिर उसी पैन में हम डालेंगे ऑयल और उसमें बाकी काम करेंगे। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसके अंदर हमने फाइनली चॉप्ड अपनी वेजीज शामिल किए हैं। सबसे पहले मैं कैरेट्स को डाल के 1 मिनट तक इनको सौते करूँगी। उसके बाद अपनी बाकी वेजीज अपनी इसमें शामिल करेंगे, जिसमें कैरेट्स और कैबेज हैं, वो भी फाइनली चॉप है। हमने इनको इतना नहीं पकाना है कि इनका कलर चेंज हो जाए या ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। इनको जस्ट क्विक क्विक हमने इनको फ्राई करना है, स्टर करना है। इसमें भी हल्की सी सीजनिंग ऐड करेंगे हम, हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। साथ के साथ इन्हें स्टर करते जाएंगे कहीं जलना ना शुरू हो जाए। और ये तमाम काम हमने तेज़ आंच पे करना है। आंच मीडियम से हल्की सी तेज़ हो, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो। अब इन वेजीज में हम अपने राइस शामिल करेंगे। चाइनीज़ डिशेस में हम बासमती राइस शामिल नहीं करते। हमने पहले स्क्रम्बल्ड एग शामिल किए और अब हमने जो जैस्मिन राइस जो हमने पहले से बॉईल करके ठंडे रखे हुए हैं वो इसमें शामिल करेंगे। एक गुड स्टर के बाद हम इसमें अपने राइस ऐड करेंगे। चाइनीज़ डिशेस में हम कर्नल बासमती अपने जो है या सेला चावल नहीं शामिल करते। इनके लिए स्पेशल राइस जो चाइनीज़ राइस होते हैं, जिनको हम जैस्मिन राइस भी कहते हैं, जो कि छोटे होते हैं और थोड़े से मोटे चावल होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो होता है इतना ब्लंट होता है कि इनमें हम अपनी सीजनिंग को जब मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना देते हैं। अपनी बाकी जितनी सीजनिंग है वो हम राइस ऐड करने के बाद शामिल करेंगे। चम्मच चलाना ना भूलें, इनको साथ के साथ स्टर करते जाएं, मिक्स करते जाएं। अब इसमें हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। सोया सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये राइस हमने नमक के साथ उबाले हुए हैं, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अगर आपको फील हो तो ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। चावलों को गर्म पानी में उबाल के और छान के और हल्का सा ऑयल मिला के उन्हें रख लीजिए। सबसे आखिर में हमने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून मार्जरीन का, और या फिर आप सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अब हम इनको दम देंगे। दम देने से पहले इसमें हमने शामिल की ग्रीन अनियन चॉप्ड। ग्रीन अनियन शामिल करने के बाद अब हम इसको ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट बाद हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। चाहें तो आप किसी ग्रेवी के साथ खाएं, चाहें तो ये सादे ही बहुत मज़े के होते हैं। रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।